democracy anywhere. So what happens when Maharaja entered into this kind of reluctant relationship with India in 1947 October, reluctantly because he wanted to have a standstill agreement with both India and Pakistan. Pakistan agreed, India did not, till it manipulated an instrument of accession when this king had already left Kashmir. He was in Bombay at that time under popular revolt. He had already left. जय हिंद वंदे मातरम सप्तम दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देश को। इन मोहतरमा का वीडियो मेरे पास दो तीन जगह से आया तो सोचा इनके लिए एक जवाब बना दूं। शायद ये पाकिस्तानी हैं, अगर कश्मीरी हैं तो भारत से दुश्मनी, भारत से ये बैर रखती हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। मोहतरमा कह रही है रिलक्टेंटली एसीडेड टू इंडिया, रिलक्टेंट, इट वॉज नॉट रिलक्टेंट, इट वॉज एन SOS, इट वॉज डेस्परेटली नीड, desperately in need of India and Indian army, because Pakistan ke musalman, Pakistan ke muslim kabile, northwest kashmir ke musalmanon ko aur hinduon ko loot rahe the, maar rahe the, jala rahe the, balatkar kar rahe the madam, isliye ye hamare paas bhag ke aaye the ki hamari musalmanon se izzat bacha lo, hamari pakistaniyon se izzat bacha lo। पूरी बात बताइए, यू आर लाइंग फ्रॉम योर टीथ और यू आर इग्नोरेंट। दूसरी चीज, मैनिपुलेटेड, इट वॉज नॉट मैनिपुलेटेड, एंड द महाराजा वॉज नॉट एट बॉम्बे, महाराजा रैन अवे फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू एंड देयर ही हैंडेड ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू मिस्टर मेनन आउट ऑफ हिज ओन विश एंड फियर फ्रॉम पाकिस्तानीज, यू पीपल, थैंक यू। But king enters into this relationship as a sovereign. He was not subservient at that time. He was not part of India. He was one of this, Kashmir was one of the princely states, one of the four princely states who were given a choice to accede to either of the domains on the base of the majority religion of those states. Whereas in Hyderabad, king was Muslim and the subjects were Hindus. And king wanted to be part of Kashmir, but Indians say you can't, no, because of the logic of partition is that you can't, by the logic they have kept there. But once it comes to Kashmir, they entered into agreement with king, whereas 80% population was Muslim. Democracy ka main kehta hu, it is born in sin. Madam, you mean to say Kashmir was sovereign? Sovereign nation has its own army and defense its own borders. Kashmir was not sovereign, and even if it was sovereign, जब महाराजा ने दिल्ली से हमारी फौज से गिड़गिड़ा के मदद मांगी तो माउंटबेटन ने और जवाहरलाल नेहरू ने यह शर्त रखी कि जब तक आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं करते, हम आपके सॉवरीन लैंड में एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कंसेंट का सपोर्टिंग लेटर और लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया, उसके बाद भारतीय फौज वहां पर लैंड करी है। तो जब भारतीय फौज वहां लैंड करी थी मैडम, करेक्ट योर जनरल नॉलेज, तो कश्मीर वॉज नॉट सॉवरीन, नंबर वन। नंबर टू, करेक्ट योर जनरल नॉलेज, देर वर नॉट फोर स्टेट्स, देर वर 600 स्टेट्स, एंड ऑल द 600 स्टेट्स वर सबमिटेड विद द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, देर वॉज नो डिफरेंस प्रिविलेज फॉर एनी वन एक्सेप्ट कश्मीर, नंबर टू। नंबर थ्री, आपने कहा हैदराबाद का एग्जाम्पल देके कि वहां की हिंदू पॉपुलेशन को तो इंडिया में मिला दिया, लेकिन कश्मीर की मुस्लिम पॉपुलेशन से नहीं पूछा। अगेन यू आर लाइंग, यू आर सच अ बिग लायर। कश्मीर की पॉपुलेशन से दो वजह से नहीं पूछा, नंबर वन क्योंकि वहां पाकिस्तानियों ने कत्लेआम शुरू कर दिया था, नंबर टू राजा के, किंग के, महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने में उस जमाने के सबसे पॉपुलर लीडर एंड सबसे पॉपुलर पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, और शेख अब्दुल्ला ने भी अपना असेंट दिया था। तो इट वॉज नॉट ओनली अ डिसीजन ऑफ अ हिंदू महाराजा, इट वॉज अ डिसीजन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रास रूट लेवल मुस्लिम लीडर एंड हिज पार्टी, विच वॉज द ओनली पार्टी इन कश्मीर दैट यस वी विल गो विद इंडिया एंड नॉट पाकिस्तान। So there it was not a question of asking the Muslim population, because Muslim population was represented by the Muslim conference and Mr. Sheikh Abdullah. Stop lying.
So they manipulated this. But even when they manipulated this, king is doing it as an independent sovereign. And once he enters into this relationship, this is on a basis that he is delegating some of the powers to Delhi. But everywhere BJP says, Kashmir has been given special status by India and that's why we want to take it away. What are you going to take? What special status? We have delegated some of the powers. We have delegated some of the powers, though reluctantly, which is also, I mean, that instrument accession is always interrogated by people. But even if we take it as a honest, true document, like in Governor General at that time has said, in case of dispute, it is to be referred back to people. And then you have UN resolutions also. Therefore, India has not given any special status to Kashmir. In fact, Kashmiris have parted with some of the powers which they have given to Delhi at that time. And a Pakistani talking about democracy is like a devil talking, preaching scriptures. Shame on you. Do you know anything about democracy? And you are telling India about democracy? Shame on you. Number one. Number two, what do you mean by delegated something to India? It was our magnanimity. Hamara padappan tha. जो हमने कश्मीर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके साथ हमने कुछ डिस्कशन किया, डेलिब्रेशन किया, चर्चा की चुनने से पहले, बाकी तो किसी ने कोई चर्चा नहीं की थी। और आप क्या डेलीगेट करेंगे? अरे साहब, कश्मीर में तो हमारी भारत की फौज पड़ाव डाले बैठी थी, पूरा कश्मीर, आधा कश्मीर जो हम बचाने पहुंचे थे आपकी फरियाद पर, कश्मीरियों की फरियाद पर, आप पाकिस्तानियों से, हमारा तो चप्पा चप्पा कश्मीर था, हम तो कुछ भी ना देते। ये तो हमारे नेताओं का बड़प्पन था जो हमने कहा ठीक है, ये चीजें हमको दे दो, बाकी ऑटोनॉमी रख लो। उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट में 1951 में और आपके शेख अब्दुल्ला ने, मोस्ट पॉपुलर लीडर ने हमको ये चीजें दी, वो हमने रखी। हम चाहते तो कुछ भी ना देते। और यही गलती की जिस तरह आपने लूटा था ना, मार के जला के लूट के बलात्कार करके, वो हमारी फौजों ने, हमारी सरकार ने काम नहीं किया। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। कि आपने हमें कुछ दिया, आपने हमें कुछ नहीं दिया, हमने आपके पास थोड़ी चीजें छोड़ दी ताकि आपकी ऑटोनॉमी बची रहे। और फिर आप कह रही हैं गोइंग बैक टू द पीपल। मैडम, यू आर सच एन इग्नोरेंट वूमन। जाहिर हो आप गोइंग टू द पीपल ऑन द कंडीशन दैट द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान बाय फोर्स, बाय ब्रुटैलिटी, वहां से पहले पाकिस्तान विड्रॉ करेगा, उसके बाद वी विल गो टू द पीपल। पाकिस्तान ने वहां से विड्रॉ किया, देन व्हाई शुड वी गो टू द पीपल व्हेन यू आर नॉट वेकेटिंग द एरिया विच यू हैव कैप्चर्ड फ्रॉम इंडिया है, और रादर फ्रॉम कश्मीरीज बाय स्लॉटरिंग देम। शेम ऑन यू। थैंक यू। देयरफॉर टेक इट आउट ऑफ योर माइंड दैट वी हैव गिवन कश्मीरीज अ स्पेशल स्टेटस। And then the word temporary was kept along with this article that once the issue is resolved, it will go out of Indian constitution. That is why it was temporary. BJP is interpreting, I call it hermeneutic violence. Violence of interpretation, they are doing it. So they say it is a temporary and therefore we can remove it at any time. Temporary means the soon to be resolved dispute will end this article 370. It is in that sense temporary. Because this was kept as a safeguard, matlab when Indian constitution was made, Nehru called Sheikh Abdullah that how shall we define our relationship with us. So Sheikh Abdullah at that time told, the articles which we have given to you in instrument of accession, those should be reflected and nothing else. Because it is temporary, it is conditional. And it can remain there only till the dispute is resolved. So it is temporary in that sense. Because I wanted to tell it to the Indian public that India has not given us any special status which other states can also ask. In fact, they have taken powers from us, they have taken our sovereignty, and our whole struggle is for the restoration of that sovereignty which they have taken us. Temporary? You know why it was temporary, you ignorant old woman. Do you know why it was temporary? Partly you are right. It was temporary till the matter is resolved. Ignorant woman, it was temporary. That is why I say it was temporary in 49.
370 was inculcated in 49 in then our constitution in 1950. Once the 1951 elections took place in India part of Kashmir, our Kashmir, the Constituent Assembly passed a unanimous resolution in 1954-55 that now we ratify the instrument of accession and we are absolutely integral part of India. So at that stage there was no dispute. Exactly what you are saying, everything was resolved, everything was settled. The will of the people through the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, which was predominantly Muslim legislatures, उन्होंने ये अपने दिल से पास किया सन 55 में कि अब हम फाइनली हिंदुस्तान के साथ रहेंगे. टेम्परेरी रिश्ता खत्म हुआ, इसलिए टेम्परेरी 370 और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है 1957. उस दिन ये टेम्परेरी प्रोविजन खत्म हो जाना चाहिए था. बाय डिफॉल्ट हमारे नेताओं से ये गलती हुई कि हमने रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद, रेटिफाई होने के बाद भी हमने 370 को लागू रखा. और जहां तक आप बात सॉवरेनिटी की कर रही हैं, इग्नोरेंट ओल्ड वुमेन, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सॉवरेनिटी ऑफ कश्मीर, पहले आजाद कश्मीर खाली करिए जो आपने लूट हत्या और बलात्कार करके जीता था सन 47 में. उसके बाद भारत को सॉवरेनिटी का और नैतिकता का पहाड़ा पढ़ाइए. का ये मेरा वीडियो घूम के वापस इस महिला तक मेरे भाइयों पहुंचना चाहिए. प्लीज इसको शेयर करें जहां से भी अगर आपको ये वीडियो मिला हो. आज के लिए इतना ही. आपका भाई और पाकिस्तानी सुन लें और पाकिस्तान जिंदाबाद बात कहने वाली कश्मीरी सुन लें, भारत का सुन्नी मुसलमान, सुन्नी पहली बार इस बारे बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग शिया सुन्नी हजारा अहमदिया सूफी बहुत करते हो. उत्तर प्रदेश लखनऊ का सुन्नी मुसलमान डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज, भारत माता की जय.